और अब बात करते हैं सोनभद्र की, जहां रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के जिला अस्पताल में चेकअप कराने आया कैदी फरार हो गया है। जिला जेल से जिला अस्पताल चेकअप कराने के लिए कैदी को लाया गया था, वहीं मौका देखकर कैदी फरार हो गया है। बताया जाता है कैदी लल्लू के वड़ पुत्र रामविचार डाला का रहने वाला है, जिसे 302 की धारा के तहत जेल भेज दिया गया था। पुलिस की लापरवाही के कारण कैदी फरार हो गया है। वहीं चेकअप के दौरान कैदी के हाथ में ना तो हथकड़ी लगाई गई थी और ना ही वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद था। पुलिस कैदी को अभी तक खोजने में लगी हुई है, पर पकड़ में नहीं आया है। केवट है सनाप रामविचार, ये कोटा थाना 54 का रहने वाला है और अप्रैल 2020 से 302 के मामले में बंद था, जो अपने ही लड़के को मारा था इसने। और ये टीबी का पेशेंट था, उसका इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में पुलिस फोर्स के साथ लाया गया था और उसी मेडिकल के दौरान ही ये यहाँ से गायब हो गया है, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, चौकी भी परिसर के अंदर ही है, जिला अस्पताल परिसर के अंदर चौकी भी है, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। जो इसमें जिनके द्वारा लापरवाही हुई है उनसे उनकी जानकारी की जा रही है, उस पर आगे जो भी विधिक कार्रवाइयाँ हैं सब की जा रही है। कुछ जिला जेल के कुछ पुलिस वाले आए तो उन्होंने जानकारी दिया है, उन्होंने मांग किया था कि हमें CCTV का फुटेज दिखवाया जाए, तो CCTV का हम लोग फुटेज चला के उन लोगों को दिखवा दिए और उसके बाद वो लोग ये जानकारी देते हुए चले गए हैं कि अभी उसको खोजने जा रहे हैं अस्पताल में आसपास के, फिर बताएंगे। सर, कहाँ बैठा था, कैसे फरार हो गया, जबकि पूरा हॉस्पिटल CCTV कैमरे से लैस था। उन्होंने बताया कि वो पैथोलॉजी के पास बैठा हुआ था और उसी के बाद वो किसी तरह से गायब हो गया। सर, CCTV फुटेज में कुछ सामने आया, दिखाई पड़ा कि अभी तक जितना उन्होंने देखा उसमें तो नहीं लगता कि कुछ मिला।